या एक बार में सब तय करने का समय है कि कौन सा रंग बेहतर है, सुंदर और नाजुक गुलाबी या फिर खतरनाक और स्टाइलिश काला। पता लगाने का इंतजार नहीं कर सकते, तो तैयार हो जाओ, हमारी नई चुनौती अभी शुरू हो रही है। ओह, कितना बोरिंग है, और ऐसे कमरे में आराम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है, चलो एक कॉल करती हूँ। ओह, वह आ गया है, एक सेकंड रुको, मैं इसे अभी खोलती हूँ। कैंडी, तुम क्या करने का सोच रही हो? वाह, कितना बड़ा बॉक्स है, और वह गुलाबी। बेशक, यह कैंडी का पसंदीदा रंग है। मैं यह जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती कि इसमें क्या है। अरे कैंडी, तुम कहाँ जा रही हो? वह इस विशाल बॉक्स में गिर गई है। सब ठीक तो है ना? ओह वाह, कितना सुंदर गुलाबी बैग। क्या तुम छुट्टी पर जा रही हो कैंडी? ओह, ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर है। तो गुलाबी पेंट टूल्स कहाँ से शुरू करूँ? बेशक गुलाबी रंग के साथ, इसे यहाँ डाला, सुपर। और अब हमें एक पेंट रोलर की आवश्यकता है। हम इसे अच्छी तरह से पेंट में डुबोते हैं। कितना सुंदर, बढ़िया। खैर, अब सबसे दिलचस्प चीज। अरे हाँ, दीवारें अब बहुत फ्रेश और चमकीली दिखेंगी। अरे, तुम्हारा क्या कहना है जॉनी? है ना ये शानदार काम? लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। और यह क्या है? वाह, यह बहुत अच्छा आइडिया है कैंडी। बिस्तर बहुत बेहतर लगने लगा। तो और क्या है? ओह, सावधान रहो कैंडी, यह रैक बहुत भारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि कमरे को बदलने की कैंडी की इच्छा बहुत मजबूत है। अच्छा काम। अरे, वह क्या कर रही है? वाह, कैंडी कितनी मजबूत है। मुझे लगता है कि उसने एक बंक बेड बनाया है। खैर, अब यह बिस्तर के नीचे इस आरामदायक कोने को बदलना ही बचा हुआ है। फेवरेट सॉफ्ट टॉय, पौधे की एक जोड़ी, और बेशक पर्दे, और वो भी गुलाबी। और यूनिकॉर्न के बिना तो काम अधूरा रह जाएगा। देखो कैंडी ने अपने लिए कितना अच्छा कमरा बनाया है। ओह वाह, कितना अच्छा कमरा है। ओह, मेरे पास ऐसा कभी नहीं होगा। बेशक मेरे पास और भी बेहतर होगा। तो अब पेंट काला, जैसा कि मुझे चाहिए। ओह, और यहाँ कुरियर आ गया है, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून मिस्टर, पैकेज के लिए धन्यवाद। यहाँ, यह रहे आपके पैसे, आपका दिन शुभ हो। ओह, कितना भारी है यह। हाँ, बस हो गया। अच्छा तो चलो चलते हैं। काला रंग बिल्कुल सही है, पेंट रोलर भी। ओह, यह सब पेंट करने में लंबा समय लगेगा, शायद कोई रास्ता है। हाँ बिल्कुल। रुको कैंडी, अब तुम देखोगे कि असली प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं। बस ऐसे, बहुत बढ़िया। अब हम एक रोलर के साथ इस सब को अच्छे से फैला सकते हैं। वाह, कितना सुंदर काला रंग है। हाँ, यह एकदम सही है, यह दुनिया का सबसे कूल कमरा है। लेकिन यह इतना ही नहीं है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो जॉनी? ओह, उसके पास भी काले शेल्फ्स हैं। उन्होंने यहाँ भी काले ठंडे बस्ते में डालने हैं। हाँ काला अच्छा है, लेकिन अरे तुम कहाँ जा रहे हो जॉनी? सावधान रहो। वहाँ क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि जॉनी गंभीरता से अपने कमरे को डेकोरेट करना चाह रहा है। वाह, देखो ये रैक कितने स्टाइलिश दिख रहे हैं। यह ब्लैक और सॉफ्ट प्लेट भी काम आएगा। कुछ तकिए, एक फेवरेट खिलौना, पर्दे। देखो जॉनी का कमरा कैसे बदल गया है। माफ करना कैंडी, लेकिन इस तरह के खतरनाक कमरे में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या सच में? खैर, मुझे इसका जवाब देना होगा। उसका कमरा वास्तव में अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा अपना भी किसी से कम नहीं है। मुझे कौन सी ड्रेस चुननी चाहिए? पीला प्यारा लग रहा है, लेकिन ब्लू मेरी आँखों में समा गया है। ओह, यह कितना मुश्किल है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, ऐसे में सिर्फ एक दोस्त ही मदद कर सकता है। अरे हाय दोस्त, बढ़िया। हे, वो यहाँ आ भी गई है। हेलो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो जल्दी मेरे कमरे में चलते हैं। कैंडी इतनी लकी है कि उसके पास एक दोस्त है जो उसे हमेशा स्टाइल के बारे में बताने के लिए तैयार है। हाँ, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन मेरे दोस्त की एक योजना है।
खैर अब देखते हैं कि यह कितना शानदार आइडिया है। ओ वाह, वह क्या करने जा रही है? वाह, क्या शानदार ड्रेस है। कैंडी इसमें एक असली परी की तरह दिख रही है। ओ जब आपकी इतनी अच्छी दोस्त हो तो फिर किस बात की टेंशन। खैर जॉनी, तुम्हारा जवाब क्या है? तुम्हें भी अपना स्टाइल बदलना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। बेशक मेरे पास कोई स्टाइलिश दोस्त नहीं है, लेकिन पेंट की एक कैन निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। इस तरह से कैंडी चाहे जितना चाहे उतना आकर्ष सकती है। जल्दी वो मेरे स्टाइल से ईर्ष्या करेगी। हाँ यह हुई ना बात। यह बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक्सेसरीज। इस तरह की टोपी को थोड़ा डेकोरेट करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अरे हाँ, काले रंग की तो बात ही कुछ और है, एकदम अलग। तो अब क्या? मुझे लगता है मेरे इमेज को थोड़ा रफ होना चाहिए। हाँ ये स्पाइक्स पूरी तरह से फिट होंगे। हम इसके साथ अपनी अपडेटेड कैप को सजाते हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। टफ गाय, मैं अब एक असली सुपरस्टार की तरह दिख रहा हूँ। माफ करना कैंडी, लेकिन मैं ज्यादा चमक रहा हूँ। ऐसा लगता है कि दोनों पहले अपने आरामदायक घोंसलों में बस चुके हैं और जॉनी लगता है उसे भूख लगी है। कितना अच्छा है कि आप हमेशा घर पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ पल और खाना यहाँ आ भी गया। हे गुड आफ्टरनून मिस कुरियर, आप हमेशा की तरह बहुत तेज है, धन्यवाद। खैर मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जॉनी ने किस तरह का खाना ऑर्डर किया है। वैसे क्या स्टाइलिश ब्लैक पैकेज है? इसमें क्या है? ब्लैक कोला, ब्लैक फ्राइज, ब्लैक बर्गर। वाह ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है तो चलो बर्गर से शुरू करते हैं। क्या रसदार कटलेट है। और यह काला बन न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। हाँ आप फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं। स्वादिष्ट। बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जॉनी का लंच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुरंत कुछ खाने के लिए चाहिए। अरे मैं अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ। वास्तव में जॉनी अकेला नहीं है जिसे स्वादिष्ट खाना खाने का अधिकार है। और यहाँ डिलीवरी है, मैं आ रही हूँ। ऐसा लगता है कि कैंडी ने भी अपना खाना ऑर्डर करने का फैसला किया। और कुरियर कहाँ है? क्या मूवर्स? वाह वो बहुत चालाक है। कैंडी ने अपने लिए पूरा रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करने का फैसला किया। अब जब वो खाना चाहेगी बस इसे खोलकर खा सकती है। बढ़िया है, डिलीवरी के लिए धन्यवाद। यह रेफ्रिजरेटर खोलने और देखने का समय है कि वहाँ क्या है। वाह इतनी सारी कैंडीज और सब कुछ बहुत सुंदर है और गुलाबी जैसा कि मुझे पसंद है। मैं शायद शुरू करूंगी आइसक्रीम से। ओ हाँ यह मेरा फेवरेट फ्लेवर है। आइसक्रीम बढ़िया है लेकिन इसे बिना वॉफल कोन के कैसे खा सकते हैं? यह बहुत स्वादिष्ट है। तो यह ढक्कन मेरे लिए अब उपयोगी नहीं है। और यहाँ चम्मच है। ओ, अब मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक वॉफल कोन में इस शानदार आइसक्रीम की एक बॉल डालती हूँ। पर एक बॉल पर क्यों रुके? वाह अब ये बिल्कुल अलग बात है। तुम सिर्फ मुझसे चुपचाप जल सकते हो जॉनी। ओह ऐसा लगता है कि जॉनी एक गंदी चाल चलने की योजना बना रहा है। मैं तो कल्पना करने से भी डरती हूँ कि वह इस गुलेल के साथ क्या करने जा रहा है। ए सावधान। अरे नहीं कैंडी की आइसक्रीम। आउच। खैर कैंडी ने कितनी मुश्किल से इस आइसक्रीम टावर को बनाया था। जॉनी मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। वाह ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त के पास कोई मेहमान आया है। यह कौन हो सकता है? यह जैक है। क्या शानदार उपहार है, प्यार का इजहार। ओह कितना प्यारा है। प्यार में कोई जल्दी नहीं जैक, लेकिन उपहार के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि कैंडी यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि उसमें क्या है। यहाँ तक कि जॉनी भी उत्सुक लग रहा है। चलो देखती हूँ, खोलती हूँ जल्दी से इसे। वाह कितनी प्यारी गुड़िया है। जाहिर है अब यह कैंडी का एक नया पसंदीदा खिलौना है। क्या बात है जॉनी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी एक अच्छा खिलौना है।
लेकिन शायद इसे किसी तरह सुधारा जा सकता है। ओह हाँ, काले रंग की अच्छी पुरानी कैन कभी फेल नहीं हुई है। इस स्टाइलिश कार को देखो। और हाँ, यह कांटों के बिना अच्छा नहीं रहेगा। अधिक स्पाइक्स। वाह, यह कार अब बहुत कूल दिख रही है। तो क्या हम सवारी करेंगे? ध्यान रखना, सड़क पर गति का एक असली शहंशाह है। चलो अब इसे जॉनी चलाएगा जरूर, वो भी पूरी स्पीड में। ओ, अरे तुम टी पार्टी में, बेहतर होगा कि तुम अभी रास्ता छोड़ दो। ओ, ओ, चाहे तौर पर दुर्घटना को टाला नहीं जा सका। तुम्हारी बेवकूफ हरकतें फिर से। बस बहुत हुआ, अब यह कार खत्म हो गया है, अब यह यहाँ रहेगा। अरे इसे यहाँ दे दो। अरे नहीं, ध्यान रखना। आउच, कितना दर्द हो रहा होगा। ऐसी टक्कर दिखाई दे रही है, एक ब्रूज। अब उसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कैंडी के पास एक आइडिया है। वाह, क्या कर रही है? वाह, क्या उसके पास प्राथमिक चिकित्सा किट है? क्या किस्मत है, इस हीलिंग गुलाबी मरहम को मदद करनी चाहिए। चलो देखते हैं, ब्रूज पर कुछ मरहम लगाते हैं। वाह, यह वास्तव में काम करता है। धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। क्या तुम्हें कैंडी बार चाहिए? तुम इसके हकदार हो। धन्यवाद जॉनी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, यह लो। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो कितना अच्छा होता है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। क्या आपको वीडियो पसंद आया? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स करें। बाय बाय, और जल्दी फिर मिलते हैं। Cool!